यही समस्या है, इस वर्दी के अंदर इतना दम है ना कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी। उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है। 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया। निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। क्या बोल रहा है वो आदमी? एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है। हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC ST केस में तुमको फंसा देंगे। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, जरा कितना कमाया है वो भी पता लगना चाहिए। इसमें सर एक आवेदन से दिलवा दिया जाता है FIR के लिए, आज दिलवा दिया जाए कुछ नहीं, जो इन्फॉर्मेशन है आवेदन पर FIR होता है क्या? आप क्यों इनके साथ अटैच हो जाते हैं? कुछ आपको बोलते हैं गलत सही, आप बिना कुछ टेस्ट किए हुए कोर्ट में बोल देते हैं। FIR के लिए क्या रिटन जरूरी है कंप्लेंट? तो कुछ बताएंगे रोज आपके SI जो है इन्फॉर्मेशन, जो अपने इन्फॉर्मेशन पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं? ओरल इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन इन्फॉर्मेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्या आप खान साहब, बार बार मैं आपको, हुजूर कुछ तो बार बार मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप इनके साथ अटैच मत होइए। यू आर ए स्टेट लॉयर, यू हैव टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। आप बिल्कुल इम्पार्शियल होकर के काम कीजिए। ये आपको वैसे ही कुछ बोलेंगे कान में और आप कोर्ट में बोल देते हैं उसको, विदाउट रियलाइजिंग कि यहाँ लॉ क्या है। रिटर्न दिलवा दीजिए। जब वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है, टेलीफोन पर भी बोल रहा है, आपने सुना कि नहीं सुना कि मुझे मारा गया? वो बोल रहा है ना कि 50 आदमी मिल करके घुस गया घर में, मारा गया। निशा मैडम को बुलाया टेलीफोन से, वो आकर के मेरी वाइफ को जबरदस्ती खींच करके और पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। मुझे पुलिस स्टेशन में ले जा करके बैठाया गया सुबह से शाम तक। कहाँ है उसका CCTV फुटेज? लाइए पुलिस स्टेशन का, उस अपडेट्स का। पुलिस फुटेज को क्या मतलब है ये सब केसेज में पढ़ने का? हाउ पुलिस इज टेकिंग अपॉन इटसेल्फ कि किसका मकान खाली कराना नहीं कराना? अब हम जरा सा बता दें हुजूर को फैक्ट्स, तभी कुछ बात होगा। हम फैक्ट्स तो हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे, इसमें हम आपको एफिडेविट फाइल कराएंगे। मुझे पहले ये बताइए, देखिए बार बार आपको कर रहे हैं कि जब कोर्ट के नॉलेज में इस तरह की बातें आती हैं एक कॉमन सिटीजन के द्वारा, एंड स्टेट के माइट के अगेंस्ट लड़ना किसी को आसान नहीं होता है। क्या बोल रहा है वो आदमी? कि एक ऑफिसर इंचार्ज जो होता है थाना का, उसको अपने एरिया में क्या पावर है हमको मालूम है। हम तो भागे चल रहे हैं डर से, क्योंकि इन्होंने धमकी दिया कि SC ST केस में तुमको फंसा देंगे। आप उस व्यक्ति की समझ रहे हैं बात? वो जान रहा है कि ऑफिसर इंचार्ज को क्या पावर है, वो फंसा देंगे। और यही चीज हम रोज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे फंसाया जा रहा है। और जरा इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच होनी चाहिए, जरा कितना कमाया है वो भी पता लगना चाहिए। कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी ग्रैबिंग करा रहे हैं बताइए मुझे। 4 बजे FIR करा, FIR करा करके मुझे चाहिए जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके यहाँ रिसीव हुआ है, इन राइटिंग हुआ है या ओरल हुआ है, व्हाट एवर एलिगेशन ही हैज मेड, पूरी तरह से ये करके FIR करा करके लाइए मुझे, बताइए। आई विल टेक अप दिस केस एट 4 o'clock। आप स्वयं क्यों दौड़ कर चले गए? आवेदन नहीं था मेरे पास। सोच समझ के FIR किया है क्या? नहीं सर, आवेदन इसी के आवेदन पर नहीं किया। क्या है, देखें आवेदन, देखिए अब आवेदन था इसका पड़ा हुआ वहाँ। ये सर इसमें 107 भी हुआ हुआ है सर। 107 होता है? आप लोग जो है सिटीजन्स के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, खाना पूर्ति करते हैं 107 करके। लाइए देखें आवेदन। ये जो सीनियर SP के यहाँ जो दिया गया था दरखास्त, उस पर हुआ है। आप दीजिए ना, सीनियर SP के यहाँ जो दिया गया वो कॉपी दीजिए ना जो वहाँ है, उनके उनके पास जो है वो दीजिए ना मुझे। ये कॉपी नहीं है हुजूर FIR की, ये तो उनका जो पिटीशन लगा हुआ वही है, वो जो लगा हुआ है FIR। आप दिखाइए तो मुझे।
प्राइम ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन बैंक जजमेंट अगर आप देखिए ललिता कुमारी का, जी जी देख रहे, तो उसके लाइट में इसको पढ़िएगा, तो इसने बहुत कैटेगरिकली लिखा है कि हमारे घर में कैसे कैसे लूट किया, सामान को फेंका गया उठा करके, 50-60 असामाजिक तत्व जो है उन्होंने घर में घुस करके क्या क्या काम किया। और ये भी लिखा कि साहब कंकड़बाग थाना अध्यक्ष रविशंकर सिंह के संरक्षण में एवं दारोगा श्रीमती निशा की अगुवाई में रविंद्र कुमार देवेंद्र कुमार दोनों बलिदान स्वयं सो ने 50-60 असामाजिक एवं गुंडा तत्वों के साथ घुसकर मेरे घर का सारा सामान सड़क पर फेंकवा दिया। तो इसके बाद FIR क्यों नहीं हुआ इसके आधार पर? अभी कौन से आधार पर किए हैं देखा, 30/9/22 का। तो ये जब आपके SHO के पोजीशन में है तो इसके आधार पर क्यों नहीं FIR हुआ? ये स्पेसिफिक एलिगेशन है इनके अगेंस्ट, और ये इसको अपने फाइल में लेकर के रिटेन कॉम्प्लेंट है। अभी आपने बोला ना कि रिटेन कॉम्प्लेंट मांग रहे थे, तो ये अगर ये इनके पोजीशन में था तो इस पर FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुआ? ये जो इंफॉर्मेशन है 21/9/22 का, ठीक है ना, ये 21/9/22 का इंफॉर्मेशन ये कंटेन करता है द अकरेंस विच अगेन टू प्लेस ऑन 29/9/2022 20/9/22 को संध्या 4 बजे फ्लैट में मेरा भतीजा स्वयं सो सोए हुए अवस्था में स्वयं सो एवं अन्य 25-30 अज्ञात व्यक्ति फ्लैट पर आ धमके और मेरा भतीजा को स्वयं सो को बाहर निकाल दिया और बोला कि 2 दिन के अंदर जो सामान तुम लोगों का है उसे घर से खाली करो, अन्यथा 2 दिन के अंदर उन सारा सामान रोड पर फेंक देंगे, जैसा कि पिछली बार दिनांक स्वयं सो को सारा सामान फेंकवा दिए एवं लुटवा दिए थे। तो 21/9 का जो रिटर्न कॉम्प्लेंट है इसमें 20/9 की जो घटना हुई उसका भी वर्णन, उसके पहले जो इसने रिटर्न कॉम्प्लेंट दिया, एक तो वो कहता है कि हमने 11/7 को दिया था, जो आप कह रहे हैं कि नहीं है, जी जी 11/7 को ही दिया गया पहली बार, ठीक है, वो अभी उनको उनका प्ली है कि नहीं है, जी जी, बट इन एनी केस इनके पास से 18/8/22 का रिटर्न कंप्लेंट निकला इनके हाथ से। इसमें इसने जो 17/8/22 को घटना घटी थी उसका जिक्र किया है, तो वो था टू कॉज ऑफ एक्शन, टू डिफरेंट अकरेंसेस, दिस शुड ऑल्सो बी रजिस्टर्ड एज FIR। लेकिन इसमें 17/8 की जो घटना घटी उसके बारे में इसने रिटर्न कंप्लेंट दिया आपको, जिसको आप अभी तक 18/8 का जो रिटर्न कंप्लेंट है उसको लेकर आप बैठे हुए हैं, इसकी कॉपी इसने सभी को भेजा है, श्रीमान स्वयं सो मतलब इसने अपने तरफ से पूरी कोशिश की, इस देश के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं सभी को भेजा है जी। लेकिन इसके बावजूद आपके SHO महोदय जो हैं इसको लेकर के अपनी फाइल में दबा कर रखे हुए हैं। दूसरी बार इसने जो रिटर्न कॉम्प्लेंट दिया उसमें उसने इसके बाद की जो घटना फिर घटी इसके साथ 20/9/22 को, उसमें भी ये लिख रहा है कि पिछली बार 17/8/22 को जो घटना हुई थी उसी के बारे में कह रहे हैं कि फिर वही घटना होगी तुम्हारे साथ। हैवी लॉस है मिलोट, 7-8 लाख का गहना और सामान गायब है इनका, इसका रिसिप्ट भी है बुजुर्ग, सारा लूट के क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ इस तरह के वर्दीधारी रहेंगे, इतना वर्दी पहन लिए
कब से हैं आप मिस्टर रविशंकर सिंह? सर पटना में पौने चार साल हो गए सर। पौने चार साल से हैं पटना में थाना अध्यक्ष के पद पर। उद्धा कॉलोनी से अब यहाँ आए हैं आप, तो काफी प्रॉपर्टी आपने ग्रैब करवाया होगा, बहुत से लोगों को मदद किया होगा आपने संपत्ति अर्जन करना। सर ये मकान मालिक को रेंटर करने के तो आप, आपकी आदत खराब हो गई थी ना, इसलिए आप फंस गए इसमें। सर अगर आपने तरीके से काम किया होता, आपने अपने दायरे में काम किया होता तो ये समस्या नहीं होती। यही समस्या है, इस वर्दी के अंदर इतना दम है ना कि उसके बाद मद में चूर हो जाता है आदमी, उसको पता ही नहीं होता कि हम भी किसी देश के एक नागरिक हैं और यहाँ का एक संविधान है, एक कानून है, इसकी जान, इसकी परवाह नहीं होती है। सॉरी 22/9 पे अब क्या सॉरी करने से क्या फायदा है? हमको तो जान के 22/9 की यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस नाउ। लॉ विल टेक इट्स कोर्स।